हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दौलत एल्गोटेक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट हम लोग देखेंगे तो आ चुका है, तो उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा है। उसके बाद हम लोग चार्ट चल के यहाँ पे प्राइस एक्शन भी कंपनी का एक बार देखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल्स के नंबर काफ़ी अच्छे तेज़ी से हम लोग को यहाँ पे बढ़ते नजर आ रहे हैं। 969% से यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है। एबिट की बात की जाए तो यहाँ पे 1100% से भी ऊपर से यहाँ पे हम लोग को ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 893 और ईपीएस में 892% का ग्रोथ देखने के लिए इस क्वार्टर में हम लोग को मिला है। अब यहाँ पे कंपनी का बिजनेस का नेचर देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि कंपनी का इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ क्यों आई है। क्योंकि कंपनी अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर उतर के कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं बेचती है। मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन एक तरह से कह सकते हो और डेरिवेटिव ट्रेड करके यहाँ पे कंपनी के पास पैसा आता है। और कंपनी का नाम भी मैं समझ सकते हो, यहाँ पे एल्गोटेक मतलब इनका खुद का एल्गोरिदम है, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये ट्रेड करती है कंपनी। और जैसे जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इनके स्ट्रेटजीज इंप्रूव होंगे, वैसे ही वैसे यहाँ पे आपको कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ या कह सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है आपको। और क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि कंपनी यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में या ब्रोकिंग बिजनेस में नहीं है। कंपनी सिर्फ यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एल्गो ट्रेडिंग के अंदर है। और यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट अगर देखोगे तो ऐसा रहा है कि मतलब पिछले 10 सालों से एटलीस्ट कंपनी ने एक भी मंथ ऐसा नहीं निकाला जिसके अंदर यहाँ पे कंपनी ने लॉस किया हो। तो ये कह सकते हो कि इनके एंड पे इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये मार्केट के वॉलेटिलिटी पे और इन सारी चीज़ों पे, मार्केट पार्टिसिपेशन पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इनके ऊपर। तो इसलिए कंसिस्टेंट सेल्स यहाँ पे शायद आपको देखने के लिए ना मिल पाए। और देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। तो आज बैठ के हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कंपनी के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल 25% ग्रो कर जाएगी या अगले 5 साल में कंपनी यहाँ पे 30% से ग्रोथ हम लोग को दिखाएगी हर साल के अंदर। तो वो सारी चीज़ें इस कंपनी के लिए आप लोग यहाँ पे नहीं कह सकते। वैसे फॉर इंस्टेंस 2013 के अंदर भी देखा जाए तो कंपनी की सेल्स 217 करोड़ के आसपास थी। आज के रेट पे भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट उसी के लेवल के आसपास की देखने के लिए मिल रही है। 2022 में कंपनी ने कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर सेल्स की थी आज के मुकाबले और मार्जिन्स भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। वैसे इसके साथ साथ कंपनी एक क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर देखा जाए, फ्यूचर्स के अंदर तो क्लियरिंग मेंबर होता है जो कि पैसा सेटल कराने में हेल्प करता है। इसका मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो मतलब कोई डिफॉल्ट ताकि ना हो जाए, तो इसका मतलब कह सकते हो कि इनका इसका यहाँ पे काम होता है। तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी कंपनी की बिजनेस कह सकते हो बनती है। इसके अलावा अब कंपनी के बारे में अगर कुछ फैक्टर्स आपको देखने हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें के ऊपर कंपनी का नंबर्स डिपेंड करता है, तो वो यहाँ पे कंपनी के प्रेजेंटेशन में ही यहाँ पे कंपनी ने खुद ही मेंशन किया, वो आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक तरह से इंक्रीज वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे की फैक्टर्स रहते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। और इसके साथ साथ अगर मार्केट पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है तो उसका भी कंपनी का कहीं ना कहीं डायरेक्टली कह सकते हो कि बेनिफिट करती है यहाँ पे कंपनी। और इसलिए यहाँ पे ये नंबर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स टर्नओवर ग्रोथ आप लोग देख सकते हो, लगातार यहाँ पे कंपनी का बढ़ते नजर आ रहा है। अब इसके साथ साथ अब अगर हम लोग कंपनी के नंबर्स एक बार को देखो, वो नंबर्स वैसे देख चुके हैं, तो बेसिकली अब हम लोग चार्ट्स पे ही चलते हैं सीधा। एक बार को यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आपको देखना है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे डेफिनेटली एक बार हम लोग देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 74% से छोटी कंपनी है, तो एफआईज रियाज की होल्डिंग यहाँ पे नहीं देखने के लिए आपको नजर आ रही है। चार्ट्स पे अगर देखोगे तो चार्ट्स पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनते हैं आपको नजर आ रहा है। इन वाले लेवल से कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉप साइड पे 126 तक का इनका फिलहाल के लिए टारगेट है। आज के रेट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हमसे पूछोगे तो पोजीशन बनाना कंपनी के अंदर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे टारगेट बहुत ही पास में है और इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी क्योंकि लगातार ऊपर जा रही, बिना स्टॉप लॉस मतलब बिना एक अच्छे स्टॉप लॉस के जगह के प्रोवाइड किए बिना, तो इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे पोजीशन बनाना कह सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के फेवरेबल हिसाब से भी अगर देखा जाए तो फेवरेबल नहीं होगी। मतलब इन वाले लेवल से एक ब्रेकआउट जब हम लोग को मिला था तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन आज के रेट पे अगर देखोगे तो कोई मेजर स्विंग यहाँ पे इन वाले लेवल से पहले कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की मतलब अभी टर्न पे है यहाँ पे कंपनी, तो अभी इस चीज के देखते हुए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो आप लोग फॉलो करो तो बेटर रहेगा। और इसके साथ साथ लॉन्गर रन के लिए अगर हमसे पूछोगे तो यहाँ पे कंपनी के अंदर हम कहेंगे कि प्रेडिक्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है नहीं। रेवेन्यू का कैसे यहाँ पे कितना फ्लो आएगा, कब आएगा, ये बताना मतलब एटलीस्ट कह सकते हो कि मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही है। वैसे मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ों कोई नहीं बता सकता है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लगता है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग अवॉइड करना चाहो तो हम कहेंगे कि बेटर सिनेरियो आपके लिए भी क्रिएट होगा।
वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में फिर जबरदस्ती आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसा गया, इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसा गया, मतलब रिजल्ट तो देखोगे ही, बट हर बार आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना कि यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कम हो गया, कैसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी लॉजिक ऐसी कंपनीज के लिए फॉलो करती नहीं है। तो इसी के साथ फिलहाल अभी चलेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाना। ओके बाय।